मुंबई में आधी तूफान से गिरा होर्डिंग, 4 लोगों की मौत, कई लोग घायल, 100 लोग दबे, 68 लोगों का रेस्क्यू। एनडीआरएफ ने कहा है आंधी तूफान के बाद कई उड़ानें प्रभावित हो गई हैं। एक और बड़ी खबर, मुंबई के होर्डिंग हादसे में बीएमसी ने दर्ज कराया केस, होर्डिंग के अवैध रूप से लगाए जाने का दावा, रेलवे और होर्डिंग लगाने वाली निजी कंपनियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बड़ी खबर आ रही है वाराणसी में भव्य रोड शो के बाद प्रधानमंत्री मोदी कल भरेंगे नामांकन, नामांकन से पहले पीएम ने किया विशाल जनसंपर्क और बाबा विश्वनाथ के दर्शन। पीएम के नामांकन में बीजेपी शासित राज्यों के सीएम होंगे शामिल। एक और बड़ी खबर, चौथे चरण में रात 8 बजे तक 63% वोटिंग हुई है, 10 राज्यों में 96 सीटों पर डाले गए वोट, 2019 में इन्हीं सीटों पर करीब 69% से ज्यादा मतदान हुआ था। और हेमंत सोरेन की याचिका पर ईडी को नोटिस, हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी को दी है चुनौती, सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 17 मई को। पंजाब के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट, स्टार प्रचारकों की लिस्ट में स्वाति मालीवाल का नाम नहीं, सूची में जेल में बंद मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन का नाम शामिल। बड़ी खबर, अप्रैल में खुदरा महंगाई दर में मामूली गिरावट, 4.85% से घटकर 4.83% पर पहुंची महंगाई दर, सांख्यिकी मंत्रालय ने जारी किया आंकड़े। और बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान और चीन की कोशिशों को लगा बड़ा झटका, भारत ईरान के बीच चाबहार पोर्ट को लेकर समझौता, समझौते के मुताबिक 10 साल तक भारत करेगा पोर्ट का संचालन। और पीओके के दौरे पर जाएंगे पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ, अगले कुछ दिनों में पीओके का दौरा कर सकते हैं शहबाज। पीओके में सरकार के खिलाफ कई दिनों से विरोध प्रदर्शन।